रविंद्र सिंह भाटी समेत 900 समर्थकों पर हो गई है FIR। क्या ईडी CBI उतारने का है प्लान, या फिर वोट काउंटिंग के दिन खेल करने का ये कोई छोटा सा जुगाड़, या सबसे बड़ी वजह है आमीन खान? क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं और FIR के पीछे की सबसे बड़ी वजह के बारे में भी आपको बताते हैं। आप सभी को पता है कि वैसे तो पूरे देश में कांग्रेस और BJP एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ BJP और कांग्रेस का गठजोड़ गजब का नजर आ रहा है। चाहे वो हरीश चौधरी हो या कैलाश चौधरी हो या फिर उम्मेदाराम बेनीवाल हो, हर किसी के सुर एक ही जैसे नजर आ रहे हैं। और ये सुर इसलिए एक जैसे नजर आ रहे हैं क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर बलोतरा से भारी जीत होने जा रही है। रविंद्र सिंह भाटी की जीत देखते हुए ना सिर्फ BJP बल्कि कांग्रेस भी घबराई हुई है। इसीलिए पहले आमीन खान को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाला और अब प्रशासन रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। इसीलिए नेशनल हाईवे जाम करने के खिलाफ कार्रवाई की गई है, रविंद्र सिंह भाटी पर FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने तो हाईवे जाम किया ही नहीं था, उनका तो ये साफ कहना था कि हमारा मकसद तो जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने का है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उनका बयान ही सुन लीजिए, ये उसी वक्त का बयान है जब उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया था, सुनिए। अपना कोई भी आम आदमी ना परेशान कौन कर लू है, हाईवे ना अपना फ्री कर लू है, आम आदमी परेशान नहीं है। और ये तावड़े ने बिना हूँ बेचना तैयार है और हमारा निवेदन की आप सब भी शांति व्यवस्था बनाए, आप सब एक बैठो तैयार हो तो आप सब शांतिपूर्ण तरीको रख सा। और जो भी गाड़ियां जा रही है वो गाड़ियां आना पास होने वास्ते मौको दिया जगह दिया, अपने उद्देश्य हाईवे ब्लॉक कर लू कौन है, अपने लोकतांत्रिक तरीके में अपनी और आप सब कोऑपरेट करिया। तो आपने सुना रविंद्र सिंह भाटी का 27 तारीख का ये बयान जब उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया था और वहां पर उन्होंने बयान दिया था कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम नेशनल हाईवे को जाम करें, जो आवागमन है उसे बाधित नहीं किया जाएगा, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो फर्जी वोटिंग हुई उसके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज की, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, हमारे समर्थकों को डिटेन कर लिया गया, उन्हें जमानत भी नहीं मिल पा रही है, जगह जगह पर गाड़ियों को सीज किया गया, यहां तक कि हमारे समर्थकों पर हमले किए गए, उस मामले को लेकर भी हमने शिकायत दर्ज की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमारे समर्थकों को ही परेशान किया जा रहा है। वैसे खबर तो वोटिंग के एक रात पहले ही आने लगी थी कि जो बूथ एजेंट हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और 200 से अधिक समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया था। अब आप सोचिए ये भारी संख्या में जो लोगों को हिरासत में लिया जा रहा था ये वही थे कि जो जमीन पर काम करे रविंद्र सिंह भाटी के लिए, जो बूथ एजेंट थे, जो उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन लोगों पर ही गाज गिरी थी। और एक बार फिर से एक बड़ी साजिश रची जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये है, बताए ये जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों को जेल में डालने का प्लान बन रहा है। ये वोटिंग के दिन कोई बड़ा खेल करने की साजिश रची जा रही है, उसी के चलते, उसी प्लानिंग के तहत ये FIR हुई है। रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए और ये सब कुछ उस दिन होगा जिस दिन काउंटिंग होगी। जी हाँ, वोट काउंटिंग के दिन ये किस तरीके से उनके समर्थकों को डिस्टर्ब किया जाए, उनको परेशान किया जाए, उस दिन कोई बड़ा खेल किया जाए, उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। वैसे फर्जी वोटिंग को लेकर तमाम शिकायतें दर्ज की गई लेकिन आज तक एक्शन नहीं लिया गया। हरीश चौधरी को लेकर भी खुलासा हो रहा है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर दावा ये किया जा रहा है हरीश चौधरी को लेकर कि ना तो ये प्रत्याशी थे और ना ही कोई चीफ एजेंट थे, फिर भी मतदान के दिन जगह जगह वोटिंग को बाधित कर रहे थे और मतदान व्यवस्था को देखने सबसे बड़े वॉर रूम कलेक्टर ऑफिस में जाकर उनका ध्यान भटकाने के लिए कमरे में धरना प्रदर्शन भी ये कर रहे थे, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वोटिंग के एक दिन बाद जब अपने समर्थकों के लिए, उनके हक में आवाज उठाने के लिए रविंद्र सिंह भाटी जाते हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हैं, तब उनके समर्थकों और उन पर FIR दर्ज कर दी जाती है। और बताया तो ये भी जा रहा है, देखिए निहारिका टाइम्स है, उसने एक बड़ा दावा किया है, सनसनीखेज खुलासा उसके तरफ से किया गया है और बताया ये गया है कि ये मुकदमा जो दर्ज कराया गया है ये CMO से दबाव आया था, उसके बाद दर्ज कराया गया ताकि CID CB को जांच सौंप कर रविंद्र सिंह भाटी पर दबाव बनाया जा सके। अब सवाल यहाँ पर यह है कि दबाव बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, अब तो चुनाव भी हो गया। दरअसल दबाव बनाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी भी काउंटिंग जो है वो बची हुई है। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी आमीन खान से मिल रहे हैं, और भी मजबूती रविंद्र सिंह भाटी को मिल रही है,
और आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेता रविंद्र सिंह भाटी ना बन जाए, इसीलिए उन्हें बिठाने के लिए, उन्हें दबाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। और इसमें ना सिर्फ बीजेपी बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का हाथ बताया जा रहा है। यह खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से है, चर्चाएं इस बात की चल रही हैं। देखिए सोशल मीडिया पर तमाम लोग तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। यहीं पर हिंगलाज दान ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि रविंद्र सिंह भाटी खुद कह रहे हैं कि हाईवे खाली करो, किसी को परेशान नहीं करना है। जो वीडियो हमने आपको सुनाई उसी वीडियो को लेकर उन्होंने लिखा है, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक धरना देना है, फिर भी पुलिस ने हाईवे जाम और राज्य कार्य बाधा का मुकदमा दर्ज किया है। क्या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? क्या ये भाटी समर्थकों को डराने का प्रयास है? अब आप देखिए सोशल मीडिया पर ही ये आवाज उठ रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ समर्थकों को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि आप अगर रविंद्र सिंह भाटी के साथ रहेंगे तो आप पर मुकदमे दर्ज होंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपके जो रूटीन के काम है वो भी बाधित होंगे और आपका करियर से लेकर तमाम चीजें जो है वो तबाह होंगी, इसीलिए आप रविंद्र सिंह भाटी का साथ छोड़ दीजिए। तो ये सीधे तौर पर रविंद्र सिंह भाटी को कमजोर करने की साजिश है। इसके साथ ही अब रविंद्र सिंह भाटी ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि बलोत्रा में लोकतांत्रिक तरीके से हमने विरोध जताया था, अगर हम नेता अपने समर्थकों की मांग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर सरकार इस तरह से तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाकर एमएलए के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी तो आम आदमी का क्या होगा? डरा धमका कर इस तरह जनप्रतिनिधि को दबाया नहीं जा सकता। 26 साल के एक युवा को रोकने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी का ये बयान है और रविंद्र सिंह भाटी ने साफ तौर पर यह कहा है कि डराने धमकाने का जो प्रयास है वो हो रहा है। लेकिन आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी का अगर इतिहास देखा जाए तो ना तो वो छात्र राजनीति में डरे और ना ही उसके बाद जब वो विधायक बने तब वो डरे। अब अगर सांसद बनने से उन्हें अगर डरा धमका कर अगर कोई रोक सकता है तो ये तो एक बहुत बड़ा बेवकूफाना जो है वो कदम होगा। साथ ही जो कार्रवाई की जा रही है इसका खामियाजा पूरे देश में बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। एक तो वैसे भी राजपूत जो है आक्रोशित हैं और इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है ये पूरा देश देख रहा है, तो ये आक्रोश जो राजपूतों का है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों का आक्रोश जो है देश भर के वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो खामियाजा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को भुगतना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। निर्वाचन विभाग की क्या गाइडलाइन है? इस तरह से मारपीट हुई, सीआई लौह लोहान, एक विधायक के ऊपर हमला, एजेंट को नहीं बैठाया जाना, महिलाओं पर हमला, गांव के अंदर नहीं रहने की धमकी, और क्या गाइडलाइन इसके बाद में बचती है? ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 3-4 घंटे से शिव SDM और प्रशासन ये संदेश देना चाहता है कि आप तांडव मचाओ, यहां कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये संदेश देने के लिए तमाम चीजें हो रही है। अब देश को तय करना पड़ेगा ये देश संविधान से चलेगा या कुछ चंद लोगों का अपनी चंद स्वार्थ के लक्ष्य के मकसद से देश चलेगा। सीधा आरोप किस पर लगा रहे हैं हरीश? ये जो निष्पक्ष तौर पर जो धुमली में हुआ वो सब आप लोगों के सामने हुआ। प्रशासन मैं जब तक पूरी चीज को नहीं समझू, जो चीजें मेरे सामने आई है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगला स्टेप क्या रहेगा हरीश? नहीं, संविधान के लिए संघर्ष करेंगे जब तक सांस है। अगला स्टेप क्या? तो उम्र यही चीज करनी है।